हाउ टू गेट फर्स्ट जॉब आफ्टर बी फार्मा, बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एकेडमी, दिस इज हिमांश। आज के स्टूडियो लेक्चर में बात करेंगे, जैसे कि आप जानते हैं जैसे ही कोई नया सेशन स्टार्ट होता है वैसे 8th सेमेस्टर के बच्चे यानी कि बी फार्मा फाइनल ईयर के सेमेस्टर के बच्चे जो है वो पास आउट हो जाते हैं। और आफ्टर बी फार्मा सबसे बड़ा सवाल, सर पहली जॉब जो है वो कैसे लेनी। यहां पे हम बात करेंगे, कुछ ऐसे पॉइंट को मैं इंक्लूड करूंगा इस वीडियो में जो कि आपके फर्स्ट जॉब दिलाने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो यहां पे आपने सुना भी होगा और बहुत बार यही चीज सुनते हैं, इसी चीज को मैं आज थोड़ा सा स्पेशल करके बताने वाला हूं कि आपको एक इफेक्टिव रिज्यूम बनाना पड़ेगा। सबसे पहले अब बोलेंगे सर कौन सा सर इफेक्टिव रिज्यूम कैसे बनता है, तो उसके लिए थोड़ा सा तो रिसर्च आपको करना पड़ेगा भाई। उसका कारण यह है कि किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, जैसे आप QA में फील्ड में जाना चाहते हैं, QC में जाना चाहते हैं, प्रोडक्शन में जाना चाहते हैं, व्हाटएवर फील्ड यू वांट टू गो, आपको उस फील्ड के अकॉर्डिंग आपकी स्किल के हिसाब से आपको रिज्यूम को है बहुत ही इफेक्टिव बिल्ड करना पड़ेगा। इफेक्टिव बिल्ड का मतलब ये बोल रहा हूं कि आप जिस सेक्टर में जाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको एक परफेक्ट रिज्यूम जो है वो बनाना पड़ेगा। रिज्यूम में ज्यादा कुछ नहीं, फालतू नहीं, जो जो आप स्किल आपके पास है टू विद द पॉइंट, आप एक सबसे पहले तो इफेक्टिव रिज्यूम को बना। अब सेकेंडली बात आती है, सर रिज्यूम तो मैंने बना दिया और बहुत ही अच्छा खासा रिज्यूम बना दिया, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है। सेकेंड ये हो सकता है कि जितने भी आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, आपकी टारगेटेड फार्मास्यूटिकल कंपनी, चाहे टारगेटेड का मतलब ये है कि इसमें दो सेक्टर हम देख सकते हैं, एक तो सर मेरी ये टारगेटेड है मुझे इसी कंपनी में जाना है, या फिर आपके जॉब लोकेशन के हिसाब से आप टारगेट करते हैं कि ये कंपनी मुझे जाना है। आप इन कंपनीज की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे इनके ईमेल एड्रेस को आप कलेक्ट कर लेंगे, ईमेल एड्रेस को आप एक प्रॉपर वे में लिख के रख लेंगे और इन सारे ईमेल एड्रेस पर आपको अपना रिज्यूम जो है वो सेंड कर लेना। जी हाँ। देखिए जैसे कि आप जानते हैं हर एक कंपनी की आप ऑफिशियल वेबसाइट में जब जाएंगे करियर ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे डायरेक्टली आप जो अपना रिज्यूम जो है वो सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे करके करके आपको ईमेल जो है वो सेंड कर लेने हैं, ये है पहला स्टेप। चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूं सेकेंड, लिंक्डइन। काफी सारे स्टूडेंट ने इसका नाम सुना ही होगा। जी हाँ, अब राइट टाइम आ चुका है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि इंस्टा फेसबुक को छोड़कर एक प्रोफेशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी एक व्यवस्थित आईडी को क्रिएट करना और इस आईडी को आपको अपने रिज्यूम के साथ अटैच करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब जब आप यहाँ पे ऑफिशियल ईमेल एड्रेस अटैच करेंगे वहां पे आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल भी अटैच हो जानी चाहिए, जिससे कि जो भी एचआर अगर आपको रिक्रूट करना चाहता है वो आपकी प्रोफाइल पढ़े तो व्यवस्थित ढंग से वो प्रोफाइल पढ़ सके। तो काफी सारे स्टूडेंट जो है वो फेमिलियर होंगे लिंक्डइन से, तो प्रॉपर वे में आपको एक अच्छे से आईडी बनानी है जिसको कि आपके ईमेल एड्रेस से आपको जो है अटैच कर देनी है ताकि कोई भी एचआर जो है आपकी प्रोफाइल को प्रॉपर वे में देख सके। नेक्स्ट तीसरा स्टेप क्या करना है, आपको जितनी भी कंपनी है, जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जहां पे आप जाना चाहते हैं उनके सारे सोशल मीडिया हैंडल जो है वो आपको देखने हैं, क्योंकि काफी सारी कंपनीज आजकल जो है अपने सोशल मीडिया हैंडल पे वॉक इन इंटरव्यू का एडवर्टीजमेंट जो है वो सेंड कर देती है। उसके अलावा आपको क्या करना है कि यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू को कैसे करना है, देखिए जैसे काफी सारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, जैसे कि आप बद्दी हिमाचल प्रदेश में है, आप गुजरात में है, आप साउथ बेंगलोर में है, आप इन सारी जगहों पे हैं तो कहीं ना कहीं यानी कि हर 10-15 दिन में एक बार वॉक इन इंटरव्यू चलता ही रहता है, जिसमें कि फ्रेशर के लिए भी वॉक इन इंटरव्यू होता ही होता है। वहां पे आपको प्रॉपर वे में आपका डॉक्यूमेंटेशन लेके जाकर जिस डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हैं, जिस कंपनी में आप जाना चाहते हैं, पहले तो डिपार्टमेंट बाय वहां पे वर्क क्या है, कुछ बेसिक टर्म्स आपको याद करनी पड़ेगी, डेफिनेशंस याद करनी पड़ेगी, और उसके अलावा जिस कंपनी में आप जा रहे हैं उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी आपको पता होना चाहिए और उस कंपनी का सबसे फेमस मार्केटेड प्रोडक्ट कौन सा है वो भी आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा ऐसे करके आप जो है सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो करके वॉक इन इंटरव्यू को अटेंड कर सकते हैं फॉर फ्रेशर के लिए। और चौथी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जो है अमर सार एकेडमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जितनी भी आपकी नोटिफिकेशन आती है, चाहे वो प्राइवेट जॉब्स के रिलेटेड यानी कि फार्मास्यूटिकल कंपनी में रिलेटेड जॉब हो या फिर गवर्नमेंट जॉब हो, सारी नोटिफिकेशन अपडेट जो है आपको हमारे चैनल पर मिलती है। तो देन सब्सक्राइब माय चैनल सो आपको हर अपडेट आप तक पहुंचाता हूं मैं, और आने वाले टाइम में
अगर भी कुछ हो सका अच्छा, कुछ आपके लिए कुछ बेनिफिशियल, तो उसके बारे में भी मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। तो एज ए पर्सनल एजुकेटर मैं आपके हर वक्त हर सेवा में हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए तैयार। चलिए, तो कैसा लगा आपको इन्फॉर्मेशन जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव फार्मास्यूटिकल रिलेटेड न्यूज अपडेट, वैकेंसी अपडेट, वीडियो लेक्चर्स। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।